हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शशांक जैन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फॉयड में आया हूं। 2022 में एक बड़ा अच्छा इवेंट ये ऑर्गेनाइज हुआ है फॉर इंटीरियर डिजाइन एंड एग्जीबिशन। यहां पर हम पूरी एग्जीबिशन को कवर करेंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे और समझेंगे कि यहां पर किस किस तरीके के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं और क्या हम डिजाइन इंडस्ट्री में देख रहे हैं जो कि नया ट्रेंड चेंज हो रहा है। गाइस, मैं अंदर आ गया हूं और मैं एग्जीबिशन के अंदर हूं। अब यहां पर स्टॉल बाय स्टॉल कवर करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या स्टॉल्स हैं, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, बहुत टाइम बाद इवेंट में आया हूं वापस से। लास्ट टाइम पे मैंने एस्टेक कवर किया था और इस बार हम फॉयड कवर कर रहे हैं और लेट अस सी कि किस तरीके के स्टॉल्स यहाँ लगे हैं। आ जाओ। सो गाइज, हाय, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं फॉयड में हूँ और मेरे साथ पवि है। सो पवि की कंपनी है एक कॉन्क्रीट और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्क्रीट के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। तो लेट अस अंडरस्टैंड पवि ने क्या किया है और किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। पवि, ओवर टू यू। हाय गाइज, सो आई एम पवि बसीन फ्रॉम हे कॉन्क्रीट एंड टुडे वी आर शोकेसिंग द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉन्क्रीट दैट वी कैन हैव। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। हां प्लीज। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्सचर दैट वी आर प्रमोटिंग। ओके। इट इज कॉन्क्रीट पैनल्स इन नेचुरल टेक्सचर एंड इन पोरस टेक्सचर। So it is a product that we can use in the exteriors. The good part about this product is that it is UHPC, Achha. Ultra High Performance Concrete, and it comes in various sizes. So you can use it without any doubts on the exteriors. Probably. So any size? Any size. We are going up to 6 feet by 3 feet. But as the company is innovating, we are trying to develop much larger sizes also. Very good. So इसमें आप अभी colors हम और create कर सकते हैं। Endless color combinations are available. Achha. And the product is non-crackable. That is why we are coming into picture. Otherwise, you can get a concrete done on your facades by yourself also. But Lovely. There are chances of getting it cracked. With Hey Concrete, that option is not there. Fair enough. So this is a flat panel. जैसे कि आप देख रहे हैं, just for the viewers, I am telling you. So ये flat panel है और काफी अच्छा लग रहा है, just like a flat panel, सुंदर लग रहा है, कुछ holes हैं. और ये एक फ्लूटेड डिजाइन है। सो दिस इज आवर सेकंड डिजाइन सेगमेंट। हियर वी आर शोकेसिंग कंक्रीट इन लीनियर फॉर्मेट्स और फ्लूट फॉर्मेट्स। सो इफ यू सी द इफेक्ट ऑफ लाइट, दीज कैन बी यूज्ड ऑन योर एलिवेशंस, इट कैन बी यूज्ड बिहाइंड योर सोफा बैकड्रॉप्स और योर फीचर वॉल्स इन द हाउसेस। यू कैन यूज इट ऑन योर लॉबी वॉल्स एज वेल। अगेन, वेरियस कलर कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल एंड यू कैन फील द लैंग्वेज ऑफ कंक्रीट। इट हैज अ स्लाइट color effect also to it. Correct. So that brings a different kind of warmth to the house. Wonderful. So again, any color can be possible. Any color is possible. Product ki durability, strength, aap bolo to dono achhi hain. UHPC aapne mujhe bataya. See, once we talk about UHPC, no questions required because UHPC, whoever understands the language of UHPC or concrete, they must be knowing how premium the product is. Got it. So इसमें designs हमारे पास कुछ limited हैं या हम अपने custom designs बना सकते हैं? Customs can be made. Okay. Again, for making a customized design, we require a small amount of MOQ as well as we have to figure out the mold also. Okay. So mold बना के we can do any designing. Like for an architect, we are doing it in concave as well. अच्छा. So any kind of design options can be done. Can be done. Lovely. So I can see a lot of products here in your display. So kuch aur products ke bare mein baat karte hain. So this is how, now the third vertical, how we can mold or wrap the concrete. Acha. This otherwise is not possible in any other product. Okay. So wrapping a product is extensively very difficult. लोग इसको MDF में उसमें करने के ऑप्शन सोचेंगे, बट नाउ यू हैव अ रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड ये एक्सटीरियर पे लग भी नहीं सकता अगर MDF में करोगे तो। MDF होगा तो एक्सटीरियर में लग भी नहीं सकता। और आप कर नहीं सकते इसके अलावा। करेक्ट, क्योंकि और किसी तरीके से मोल्ड होगा नहीं। बिकॉज़ वेरियस कंपनीज केम अप कि हम इसको लकड़ टाइल को बेंड कर देंगे, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। गॉट इट। वो प्रैक्टिकल नहीं होता। सो दिस इज नाउ कंक्रीट विद इनले। ओके। Again, any kind of color combination is possible. Any kind of metal strip can be used, seeing the durability of the metal. So we have different kind of inlay probabilities also available with us. And this is again the color chart that you can play with. Some of the colors that we could showcase here. Okay, for the concrete. Yeah. The good part about Hey Concrete is that we are using UHPC. So आपको floor पे भी जो concrete की flooring करोगे वो crack नहीं होगी। So we are providing crack-proof solutions on the floor as well, on the floor, which is not possible by any other brand. Right. And otherwise, tiles का option है, तो tiles में जाना पड़ेगा. Tiles है, but जिनको originality देखनी है, वो concrete use करेगा. They have to digest or bear the cracks. Design language का part होता था, but now that option भी नहीं है. You can have a crack. So, Pavi, इसके अंदर I would say colors and मैंने feel तो काफी सारे देख लिए हैं. I think a lot of products are possible and it's for the viewers also. कि आप बहुत सारी चीजें करा सकते हो। जनरली इसकी रेंज क्या होती है प्राइस की एंड हाउ डू द स्टार्ट स्टार्ट? सी, दे आर वेरी कन्वीनिएंटली प्राइस्ड। वी स्टार्ट फ्रॉम 250, वी गो अप टू 400। वी आर नॉट, जब हम कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में एनहांसमेंट कर रहे हैं, कोई फीचर दे रहे हैं,
our ideology is very clear. It should be problem solving, not just increasing the price segment just by that. So we keep that thing in mind कि हम अपने viewers को एक price sensitive product दे, effective product दे. Very good. So ये installation के साथ का price है? This installation is separate because it is a casted tile. Okay. तो जैसे tile clay करते हो वैसे ही आपने concrete की ये piece को ले करना है. End में इसके ऊपर हम polishing और sealer कर देते हैं. अच्छा कर देते हैं. इसकी weight कितना होता है generally? I mean how much? Usual concrete goes up to 1.8 kgs per square inch. Per square inch. Okay. So that is how it works. It works, okay. तो उसी के हिसाब से इसको I mean play around करना होगा. अगर कहीं पर support चाहिए या कहीं पर उसको base बनाना है तो उसको base बनाना होगा उस तरीके से. See, जहाँ तक installation की बात है, जैसे एक normal tile लगती है वैसे ही लगता है. You have to use normal adhesives. Elevation है तो elevation का adhesive आएगा. Wood है तो wood के adhesives के साथ में use करेंगे. That is about it. That's it. Okay. And now this is our heart. Okay. So this is concrete in wood texture. We purely love this product. We can't get over it. Okay. So in this case, हमने actual wood के grains को rough छीलने के बाद उसकी casting की है. अच्छा, तो ये उसको wood actual wood के grains को छीला गया है? हाँ जी, तो जो mold उससे बन के आया, this is in front of you. Wow, very nice. It has many applications. What is the primary face applications को जो use करेंगे? See, I am तो using it in the washrooms as well. कॉन्क्रीट वॉशरूम में, अदरवाइज आप कोई यूज नहीं कर सकते. बीइंग यूएचपीसी हम इसको वॉशरूम्स तक में यूज कर रहे हैं. अदरवाइज ये की डेफिशिएंट था कि कॉन्क्रीट को वॉशरूम में कैसे यूज कैसे करेंगे. करेक्ट, तो यहां पर वो यूज हो जाता है. yes. और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स टेक्सचर्स अगेन एनीथिंग इज अवेलेबल. यू कैन सी द ऑन्डुलेशंस एंड द वेरिएशंस इन वुड. सो गाइस, फॉर द व्यूअर्स आई एम टेलिंग यू कि मैं यहां पर हाथ लगा रहा हूं तो ये ना एक्चुअल वुड की शेप जो दिखती है, जो क्राउन दिखता है, जो उसके रेशे दिखते हैं मुझे, वो दिख रहे हैं. एंड ये पूरा कंक्रीट के फॉर्मेट में है, तो आई एम श्योर प्लैंक्स जब लगेंगे तो उसको कैसे भी लगाया जा सकता है. एनी व्हिच वे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हेरिंग बोन, एनीथिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. Now comes our most exclusive product. So this is a panel that we have done in 9 feet now. Okay. This is our most latest innovation that you can say. And again, a lot of architects are loving it just because of the format it is in. So it's a 9 feet panel. And our next, the company targets to evolve and identify and make new products in such bigger dimensions also. Wow. So that aapke wo joints, जहाँ पर आपको लग रहा है यार हमें joints के साथ नहीं खेलना, हमें कहीं पर spacer डालना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, so आप ये direct concrete का 9 feet का panel बना दो. So for architects we are doing shades of grey, we are doing gradients of brown. इसमें मुझे सबसे बड़ा doubt है इसकी transportation, because जितना भारी होता जाएगा उतना transport आपकी factory में बनेगा और वहाँ से वो transport करेगा, तो कितना practical है इसको transport करना at far places and maybe on 2, 3, 4 floors. See, I'll tell you very clearly. There is no question asked, there is no doubt इसकी transportation कैसे होगी. They are all pallet packed. और इसमें जो phone की wrapping है, I'll take you to the backdrop after this. इसकी packing देख के I think आपके ये questions भी answer हो जाएगा. अच्छा, ये टूट ही नहीं सकता. टूट नहीं सकता और easily transport हो जाएगा. Easily transport weight, क्योंकि इसमें इतना सारा pallet में होगा तो हम इसको definitely crane से उतारेंगे. बट सबसे बड़ा जो constraint या concern होता है कि ये पहुंचेगा कैसे, तो वो ब्रेक प्रूफ हम इसको पैलेट पैकिंग में फोम के साथ में बेचते हैं. वेरी गुड. सो गाइज, व्हाट पवी इज सेइंग कि इसको ना पैलेट पैक कर देते हैं और इसको सेक्शंस बना के देन क्रेन से आप उतार सकते हो अपने घर पे. नॉट फॉर एनीवेयर कि आपको इसको सिर्फ बहुत दूर भेजना है तो ही हम पैलेट पैकिंग करेंगे. फॉर क्लोजर वेसिनिटी आल्सो इट इज पैलेट पैक्ड ओनली. बिना पैलेट पैकिंग के प्रोडक्ट बाहर नहीं जाए. तो ये चांस जो टूटने का होता है या खराब होने का होता है वो मेरे ख्याल से थोड़ा एलिमिनेट हो जाएगा वहां पर. काफी हद तक, आई वुड से नॉट 100 देन एटलीस्ट 95-99% तक एलिमिनेट हो जाएगा. दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज उससे काम आसान हो जाएगा और टूटेगा नहीं, दोबारा रीवर्क नहीं होगा. डेफिनेटली. वेरी गुड, वेरी गुड. सो गाइज, सो इसमें ना अभी आपको दिखेगा शोरूम का हम थोड़ा सा जो इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले बनाया है थोड़ा टूर दिखाते हैं. सो दैट वेरियस मटेरियल्स एंड इट वेरियस टाइप्स कलर्स के थोड़े पैलेट भी हैं वो भी देखना, तो आपको थोड़ा थोड़ा फील आने लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. सो दे कैन कवर द जाली आल्सो. नाउ वी आर डूइंग टेराजो जालीज इन कंक्रीट. इसके भी अगेन साइजिंग सेक्शंस हम कैसे भी बना सकते हैं, बिकॉज़ आप ये वन ये पीस बाय पीस बना सकते हैं. यस, वेरी गुड. So Jatin, now you can cover the walls also later. Now, this is this is right now our best seller primarily. Oh. Flute आजकल ट्रेंड है, ग्लास से लेके और वुडन तक सब चीजों में फ्लूट चलता है. डेफिनेटली, एवरीवेयर वी टॉक अबाउट फ्लूट. सो आई एम श्योर आपने कंक्रीट में भी उसको डाल दिया. एंड वेरी रॉ, वेरी ऑर्गेनिक, हमने इस पर कोई फिनिशिंग नहीं की. This is actual the nature of concrete. You can see the color variations that will happen. तो इसको non-porous करने के लिए क्या किया? Sealant करते हैं. Sealant किया उसके ऊपर. UHPC के साथ जो reinforcement करते हैं और उसके बाद जो sealant मारते हैं वो automatically इसको seal proof बना देंगे. अच्छा, तो अब जो install करने के बाद हमें कोई और coating या after maintenance क्या होगा? No, सिर्फ guidelines क्या हैं?
जो हमारे यहाँ के मेसन्स या जो लेबर्स हैं दे आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड और एजुकेटेड कि एक प्रोडक्ट को हैंडल कैसे करना है. करेक्ट. सो अगर एक प्रोडक्ट के लिए आपको ग्लव्स पहनने हैं या क्लीन एटमोसफेयर चाहिए तो हम वो भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल बोलो या ट्रेन करते हैं. वो सब कुछ ट्रेन करते हैं. वी पर्टिकुलरली टेक द मेसन्स नंबर. जब मेसन प्रोडक्ट लगा रहा होगा ही हैज टू गेट ऑन कॉल विद अस. अच्छा. हमारी इंस्टॉलेशन टीम उसको बताएगी इसको हैंडल कैसे करना है. गंदे हाथ मत लगाओ बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड और उनको पता भी नहीं है इसको कैसे यूज करना. तो ये एक मौका मिल रहा है कि हम फ्रेटर्निटी या अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो एसोसिएट्स हैं जो इसके साथ में जुड़ते हैं दे आर ऑल्सो ट्रेंड वेरी वेल. सो इट इज नॉट जस्ट कि हमें एक प्रोडक्ट सेल करना है हमें एक सोल्यूशन देना है प्रैक्टिकल. सो अगर कोई बाद में प्रॉब्लम आती है 2 years, 3 years, 5 years आफ्टर इंस्टॉलेशन तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो. सी यूजली द आई विल बी वेरी क्लियर द दिस इज अ वेरी न्यू बेबी. तो अभी तक हमने लैब टेस्टिंग प्रोडक्ट टेस्टिंग कर ली है. वी हैवंट फेस्ड अ सिंगल प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो सकते हैं. कोई स्पेसर नहीं देता कुछ कंक्रीट में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के चक्कर में. सो वो एजुकेट क्लाइंट बेस पे करना हमें. वो हम एज बीइंग द ओनर्स ऑफ द कंपनी हम अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं बट इट विल टेक अ स्लाइट अमाउंट ऑफ टाइम. सो गाइज जस्ट फॉर यू टू नो तो हमने थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग कर ली. तो एज पवी सेड इट्स अ गुड प्रोडक्ट. मेंटेनेंस उसकी नहीं है उतनी. इंस्टॉलेशन वो लोग ठीक समझाएंगे लोगों को और एक डिसेंट प्राइस स्ट्रक्चर में बना हुआ है. तो आई एम श्योर अगर आप एक नया घर बना रहे हैं और एक कंक्रीट के साथ प्ले करना चाहते हैं तो अपने आर्किटेक्ट अपने डिजाइनर से जरूर पूछें कि क्या हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो जरूर कॉन्टैक्ट करें पवी को. आई विल गिव ऑल द डिटेल्स इन दैट वीडियो एज वेल. थैंक यू सो मच पवी फॉर योर गुड टाइम.